हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म के और एलिमेंट जो हमने छोड़े थे उनके बारे में, जैसे चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और फील्ड। पिछले वीडियो में हम रेडियो देख चुके थे और सिलेक्ट जो ऑप्शन लिस्ट वाला था वो वाला देख चुके थे। इस वीडियो में हमें चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट देखेंगे। तो चेक बॉक्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका हम देखेंगे। हाँ, यदि आपको एक या एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट करना होती है तो वहाँ पे हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सी जगह ऑप्शन आता है कि आप किस किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आप लोग वहाँ लगाते हैं हिंदी, इंग्लिश, तो वहाँ पे आप दो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस टाइप से होता है चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब मेरा पिछला फॉर्म खुला हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं चेक बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो वही पहले हमने लिखा था इनपुट टाइप्स, तो टाइप्स में हम दे देते हैं चेक बॉक्स और इसका नाम दे देते हैं हम, जैसे कि मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, व्हीकल दे देते हैं। अब इनकी वैल्यू देते हैं कार, ये हमने इसको क्लोज कर दिया, कार लिख दिया। पर रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंट होता है। रेडियो बटन में हम एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक बॉक्स में यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच में। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बाइक दे देते हैं एक जगह पे, कार दे देते हैं, कार तो हो गया था हमारा, सॉरी, बस दे देते हैं। अब BRTech का यूज़ कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसका आउटपुट ब्राउज़र पर देखते हैं। देखो, एक रिफ्रेश करने के बाद देखिए इनके एक सामने जो भी हमने डाला, कार, बाइक, बस, इसके सामने एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आ रहा है, जहाँ पे क्लिक करते ही राइट का ऑप्शन बन जाता है, मतलब है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप तीनों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो तीनों को कर सकते हो। यह तीनों वैल्यू ही सबमिट होगी, यदि आपने तीनों को सिलेक्ट किया तो तीनों वैल्यू सबमिट होगी। तो ये होता है चेक बॉक्स। अब हम देखेंगे ये हमने चेकबॉक्स के बारे में देख लिया है, हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया के बारे में। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि आप से बाद में पूछते हैं, कमेंट लिखने को बोलते हैं या आपको फीडबैक के लिए पूछी जाती है, तो आप जिस बॉक्स में टाइप्स करते हो वो होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। तो उसकी बॉक्स की साइज़ हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। तो देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। एक टेक्स्ट एरिया हमारा वही एलिमेंट होता है। अब टेक्स्ट एरिया का टैग का यूज़ करके हम यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी नाम दे देते हैं, नाम में दे दिया हमने इसका कमेंट, वैल्यू दे देते हैं इसकी कुछ, वैल्यू में दे देते हैं इंटर द कमेंट, जो हमारे को वैल्यू, मतलब आप तो जहाँ पे दिखाना उसको क्या लिखना चाहिए, एक प्लेस होल्डर टाइप। यहाँ पे उसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में इसका देखता है आउटपुट। ये देखिए, एक के ब्राउज़र में एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप लिख कुछ भी लिख सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में हो चुका है टेक्स्ट एरिया। अब इसकी हमने जैसे डिस्कस किया था, इसकी साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, तो हम इसकी साइज़ दे के देखेंगे अभी। जैसे हम इसको देखते हैं, साइज़ दिया जाती है कॉलम्स और रो में, तो मैंने लिख दिया कॉलम और रो, कॉलम और साइज़ दे दी और सेव कर लिया। अब देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ, ये इसलिए होता है यहाँ, सॉरी, कॉल नहीं लिख, कॉल्स लिखते हैं, एस लगाते हैं और रोस लिखते हैं, वो मैंने गलत लिख दिया था, उस कारण आउटपुट ठीक से शो नहीं हो रहा था। इसके बाद देखेंगे, सेव कर लिया। अब इसका आउटपुट ब्राउज़र में देखते हैं, तो देखिए जो हमने जिस हिसाब से उसकी, मतलब उसके कॉलम्स और रो डिसाइड किए थे, उस टाइम उस हिसाब से उसकी विड्थ तो हाइट ले चुका है। तो आप के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसको हम हटा देते हैं अभी।
अब हम चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फिल सेट के बारे में। अब फिल सेट किस लिए यूज़ होता है? फिल सेट बहुत अच्छा टैग होता है हमारे फॉर्म के लिए। जैसे हमारा फॉर्म होता है, इस फॉर्म में हम फिल सेट का यूज़ करते हैं। एक पूरे फॉर्म को हम फिल सेट टैग के अंदर लिख लेते हैं। जैसे हमने पूरा फॉर्म हमने स्टार्ट से बनाया था, फर्स्ट नेम से ऊपर से, तो लास्ट तक हमने फिल सेट के अंदर लिख लिया पूरा। अब फिल सेट के अंदर हम एक टैग का और यूज़ करते हैं, लीजेंड टैग का यूज़ करते हैं। अब देखना कि लीजेंड टैग से हम क्या कर सकते हैं। अब भी मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि फिल सेट का यूज़ क्यों किया हमने। जैसे मैंने डाल दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीजेंड के, ये एक बॉक्स में एक बंद हो जाता है पूरा फॉर्म। और यहाँ पे जिसके बारे में आप फॉर्म किसके बारे में लिख रहे हो, जैसे आपकी फॉर्म किसके बारे में पूछा गया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में है, तो आपने उसका नाम दे दिया फॉर्म का कि हाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में है, या आपकी दूसरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा आप कुछ वहाँ पर डाल सकते हो। तो हमारे फॉर्म के हमने लगभग सभी एलिमेंट पढ़ चुके हैं, तो किस किस टाइप से फॉर्म बनता है और किन किन एलिमेंट का हम यूज़ करके फॉर्म को अच्छे से बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।